आज के इस डिजिटल युग में बच्चों को स्कूलों में खेलकूद गतिविधियों की तरफ आकर्षित करने के उद्देश्य से समय समय पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इसी कड़ी में शिमला के ऑकलैंड हाउस स्कूल में वार्षिक खेलकूद दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें तीसरी कक्षा से लेकर जमा दो तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। आज के इस दौर में बच्चों की खेलकूद गतिविधियों में भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी है, तभी वे शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर शिमला के ऑकलैंड हाउस स्कूल में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में तीसरी कक्षा से बारहवीं कक्षा तक के बच्चों ने योगा, रेस, स्केटिंग जैसी विभिन्न स्पर्धाओं में अपना दमखम दिखाया। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल माइकल जॉन ने बताया कि बच्चों की खेलकूद गतिविधियों में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, ताकि वे शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सके। उन्होंने कहा कि खेलकूद गतिविधियों में भाग लेने से बच्चे नशे जैसी बुराई से भी दूर रहते हैं। यह हमारा जो है वार्षिक सीनियर स्पोर्ट्स डे है, जिसमें क्लास 3 से लेके क्लास 12 तक के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें रेसेस होती हैं, इसमें योगा होता है, इसमें स्केटिंग होती है और भी कई तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं, जिसमें बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है और एक दूसरे से आगे बढ़ने का इनमें एक कंपटीशन होता है, जिसमें ये अपने आप को बेहतर सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। हमारा ये स्पोर्ट्स पे ज़्यादा एम्फेसाइज करने का, जोर देने का ये मकसद होता है कि बच्चों को ज़्यादा ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटीज़ कराई जाएं और उनको ये बताया जाए कि खेलों का महत्व क्या होता है, शरीर में जो ये एक्सरसाइजेज होती है इसका क्या महत्व होता है। और साथ में हम ये भी यानी सोचते हैं कि बच्चा अगर इन चीज़ों का शौक़ रखेगा तो बाहर जो आजकल चलन, एक जो बहुत नशीले पदार्थों का सेवन का जो चलन चला है और जो बाहर की ऐसे कुछ तत्व हैं जो बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं, उनसे दूर रखने का हम इनको हमेशा एक एडवाइस करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।